अभी भी सच में? अरे यार हम लोग 2 साल से ट्राई करे तो पापा जी को मनाने के लिए। और तुम्हें ना एक बात बतानी थी। हाँ? मैंने ना बचपन में बहुत साइकिल चलाई है और मैंने वो मार्शल आर्टिस्ट भी सीखा है। मार्शल आर्ट होता है बेबी? हाँ भाई। लेकिन ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? ऐसे। अच्छा मैं करता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आप जाके ऑर्डर लीजिए, मैं हाथ धो के आती हूँ। ओके। भैया मेनू भेजना। भैया एक मेनू मेरे लिए भेजना। हेलो भैया। मेनू भेजना था भैया। ये क्या है? ये क्या मतलब हुआ भैया यार? ये कैसा होटल है? आप गरीब अमीर में भेदभाव रखते हो हैं? इन्होंने मेनू का बोला तो इनको भेज दिया और मेरे लिए ये साले धूप। अनफॉर्चुनेट। बेबी। हाँ। मैंने कल तुमसे कहा था कि खीरा ले लेना। ले तो लिया था। मैंने तो पूरे किचन में ढूंढ लिया, मेरे को तो नहीं मिला। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इंडिया का हर आदमी रोस्ट मोड में इस समय। आप सोच नहीं सकते मुझे कैसे कैसे मैसेज आते हैं। मैंने छोटा सा एक पोस्टर डाला इंडिया टॉर का। हाँ। क्या गलती करी, हर शहर था उसमें। हाँ। अब जिस शहर में मुझे लगता नहीं स्कोप है वहां हमने कभी टच ही नहीं किया, मुझे एक मैसेज आया हरिद्वार सीधे लोटे में हो गए क्या? कुणाल। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा कुणाल, मतलब भगवान से आपको मौका मिले आपके दोस्त के लिए दो दुआ मांगने का, तो आपकी वो दो दुआ कौन सी होंगी आपके दोस्त के लिए? देखो मेरी पहली दुआ तो ये होगी, जैसे मेरे को मेरी बंदी ने छोड़ा वैसे इसको इसकी शादी इसके प्यार से हो जाए और इसे वो धोखा कभी ना मिले। और दूसरी होगी उस शादी के बाद इसकी बीवी के साथ सुहागरात मैं मना जाऊं और इसे मुझे पकड़ने का मौका कभी ना मिले। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तुम्हारे हिसाब से हस्बैंड कैसा होना चाहिए? दिखने में तेरी शक्ल का भी होगा तो चल जाएगा। पैसे की बात करें तो टाटा बिरला की टक्कर का होना चाहिए और इतना पावरफुल हो कि मेरे सारे फ्यूज उड़ा दे। ए, रहा नहीं जाता। कॉन्डम चाहिए भैया। फ्लेवर नहीं चाहिए, वो क्या है ना आज मेरा उपवास है अच्छे पति के लिए। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। अच्छा मुझे ये बताइए कि लड़कियां ज्यादा चीट करती हैं या फिर लड़के? भाई मैं आपको कैसे बता दूं, मैं शुरू से सिंगल रहा हूं तो मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सिंगल हूं मैं बचपन से। सिंगल तो देखिए हम भी हैं, मतलब अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो आप देखिए मैं ना बहुत ही खुद से नफरत होने लगी ऐसे इतना सिंगलपंथी कर दिया। ऐसा क्या कर दिया भाई? यार मैं कैसे बताऊं, मैं कोरियर लड़का देख के मास्टरबेट कर लेता हूं। कुछ नहीं तो उनके दोस्त आपके बीच सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं मैंने दोस्तों को देख के मास्टरबेट करा है। अबे साले तभी। नमस्कार भैया। अरे ना भैया मैं कुछ नहीं चाह रहा। अरे नहीं भैया मैं कुछ देखने नहीं आया हूँ, 2 मिनट बस मेरी बात सुन लीजिए। बताओ भैया। सोचो आपके 2 बच्चे हो जाए ठीक है और आप पे बुढ़ापा चढ़ जाए, वो बच्चे आपको वृद्धा आश्रम छोड़ाए, बुढ़ापे की आपकी लाठी ना बने, आपका सहारा ना बने, आपको भला बुरा कहीं कहीं फेंकी आए, आपको बुढ़ापा कष्ट नायक बीते, आप चाहेंगे ऐसा हो आपको बुढ़ापा? चलो तो आज ए फॉर एप्पल कौन पढ़ेगा? हाँ। तुम पढ़ोगे? हाँ। आओ तब आओ पढ़ाओ। ए फॉर सेव।
बी फॉर लाइका लाइका सी फॉर मारुति मारुति डी फॉर कुकुर 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 जी हाँ कहाँ से पढ़े हो ये सब मोबाइल में से मोबाइल में तुमको ये पढ़ाया जा रहा है भाई जी कुछ मदद कर दो हाँ भाई एक चल्ला समस्या लगा जल्दी एक कप टी हमने उनको दी उन्होंने पी ताले तू मालिक क्या हो गया अरे इसको पाल ले क्या नहीं बे अरे ये बड़ा हो जाएगा तो दूध देगा दूध से बिजनेस करेंगे अरे नहीं यार वो बैल है गाय नहीं है कोई बात नहीं मलाई दे देगा उसको हांदो हांदो उसको हांदे दोगे तो फिर मैं क्या बताऊंगी अल्फाबेट्स इंग्लिश अल्फाबेट्स का पता कितने उसमें लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में 27 नहीं 21 आप गिने A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 21 यार कल मैं अपने भाभी के बेटे के पैर में गुलगुली कर रहा था ऐसे गुलगुली कुछ कुछ होती है टिकलिंग टिकलिंग कहते हैं ना ऐसे गुलगुली कर रहा था तो मेरे को तो मजा आ रहा था ठीक है तो भाभी गुस्से में आ गई एकदम कह रही कि कर लियो पार्थ एक बार बाहर तो आ जाने दो उसे जी मैडम भैया 32 नंबर की ब्रा दिखाना जी मैडम बेबी हम हनीमून पे कब चलेंगे अगले महीने चलेंगे ना बेबी ठीक है आज जो भी हमने शॉपिंग किया ना मैं सब वहां पे पहनूंगी जैसा आपका दिल करे ये लीजिए मैडम भैया ये तो 34 नंबर की ब्रा है मैंने तो 32 की मांगी थी पता है मैडम और आप टेंशन मत लीजिए आपको ये अगले महीने पहननी है हनीमून पे तो भाई साहब जब तक 32 के 34 ही कर देंगे अरे मेरा गर्लफ्रेंड का बर्थडे है कुछ कपड़ा उपड़ा लेना है हाँ ले लो ना बढ़िया कपड़ा मिलता है यहाँ क्या चाहिए भैया बोल रहे भैया गर्लफ्रेंड का बर्थडे मस्त मस्त कपड़ा दिखा दीजिए ना इसका गर्लफ्रेंड का है हाँ मेरा गर्लफ्रेंड का भैया तुम लवर लवर करेगा हाँ भैया क्या चाहिए भैया बोल रहे हमको टॉप दिखा दीजिए टॉप जो लड़की लोग पहनती है ना साइज होगा मीडियम अरे भाई मीडियम हो जाएगा उसका परफेक्ट होगा दोस्त है ना हमेशा जाता है तो पता है इसको भी आप ही गर्लफ्रेंड है ना भैया हाँ भैया काहे कोई शक है क्या आपको नहीं बस ऐसे ही पूछ लियो ई लीजिए जालीदार माल दिखेगी एकदम आर पार मार के देंगे गाड़ फाड़ अरे भैया नया ज्वाइनिंग है छोड़ दीजिए देख रहे क्या क्या बोल रहा है और क्या चाहिए आपको हमको जींस चाहिए भैया साइज क्या पूछ लेते फोन में पीस निकालिए ना परफेक्ट होगा मालिक गर्लफ्रेंड इसका है कि उसका है अरे सलाम आजकल थ्रीसम का जमाना है हम लोग को छोड़ो हम लोग पैसा कमाओ कपड़ा बेचो कौन सी बोल रहे हैं जी कुछ नहीं बस और क्या चाहिए और हमको ये दे दीजिए ब्रा जो होता है ना हाँ 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 अब ये ब्रा क्या साइज है साइज 32 गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो नाश ही होगा इसीलिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो पढ़ाई कर लो पढ़ाई करने के बाद फिर बढ़िया शादी कर लेना और अपनी शादी में अपनी पत्नी के संग रहो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो पड़ेगा देखो मैं कई बार ये हर सबसे कहता हूँ आपसे भी कहता हूँ कोई आपको कहे आज तक आपको किसी ने आई लव यू कहा बहुत बार किसने सभी लोगों ने कहा जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है अभी नहीं है नहीं तो फिर आई लव यू किसने कहा गुल्ली किसी भी रिश्ते को स्टार्ट करने से पहले ना हमें एक दूसरे से सच बोलना पड़ेगा अगर हमें ये रिश्ता स्टार्ट करना है ना तो हम दोनों को एक दूसरे से सच बोलना पड़ेगा बताओ क्या बात है शरीर संबंध बनाओगी मेरे साथ भाभी मुझे अभी लड़की मिलेगी कहाँ पे परी
लड़की चाहिए ना, जैसी चाहिए वैसी मिलेगी। श्रीलंका जवाबन बांग्लादेशी कौन से जाओगे मिल जाएगी जी। भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो पाजी पैसे फेंको फिर शेरनी कोड़ी। जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। मैं रोज सुबह मार्केट से गाजर खरीद के लाता हूँ, जब शाम को मैं उसको टेस्ट करता हूँ तो नमकीन क्यों लगता है। अच्छा, रूम में तेरे साथ कौन रहता है? मेरी गर्लफ्रेंड।